रामपुर महोत्सव का आगाज राज्य मंत्री ने फीता काटकर किया उद्घाटन। यूपी के रामपुर में रामपुर महोत्सव का शुभारंभ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख व DM SP ने फीता काटकर किया। साथ ही गुब्बारे और कबूतर छोड़कर रामपुर महोत्सव का आगाज किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बताया कि रामपुर महोत्सव का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। साथ ही समारोह में किसानों की चौपाल का आयोजन किया गया। इसके अलावा लोकगीत व लोक नृत्य की प्रस्तुति सांस्कृतिक गीतों से की गई। वहीं आपको बता दें कि रामपुर महोत्सव को लेकर प्रशासन पिछले करीब एक माह से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। रामपुर महोत्सव में रामपुर के इतिहास को भी दर्शाया गया है। रामपुर महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर रामपुर के ऐतिहासिक गेटों के प्रतिरूप के रूप में प्रवेश द्वार तैयार किए गए हैं, जिससे किसान और आम लोग काफी प्रभावित हुए हैं। रामपुर महोत्सव का इस तरीके से क्या क्या खूबियां देखी रामपुर की जनता को? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक महोत्सव कि बहुत समय पहले ये महोत्सव बड़ बहुत ही काफ़ी समय से ये बंद था। इस पर हमारे जिलाधिकारी महोदय जी ने इसको स्टार्ट कराया है। इसमें बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, सारे समाज के यहाँ पर महोत्सव के लिए और बहुत सारे जिले के प्रदर्शनी भी लगते हैं, किसान लोग हर तरह का मेला भी होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाईचारे को एक अच्छा संदेश देते हैं। आज शुभारंभ किया है इसका? शुभारंभ और क्या क्या इसमें रामपुर के लोगों में क्या क्या देखने मिला है, इतिहास में क्या बदलाव आएगा इस रामपुर महोत्सव से? इसमें रामपुर है गंगा जमनी का एक बदलाव और इस मेले के माध्यम से भी सभी समाज के लोग आते हैं और एक अच्छा संदेश यहाँ से लेके जाते हैं। और ये काफ़ी समय से बंद था, जब भीम साहब के इन्होंने प्रयास करके बहुत अच्छे तरीके से इस मेले को बहुत भव्य इस रामपुर महोत्सव को मनाने का।